सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज आप लोग एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं आपके साइंस विषय में, जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी सब बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, इस चैप्टर से और इसके आगे जितने भी चैप्टर आएंगे इनसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग प्लीज इस चैप्टर से सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा और जहां कहीं कोई प्रॉब्लम होगी वो भी आप बताइएगा, ताकि लगातार आप लोगों की जो समस्याएं आए उनका भी निदान हो सके और आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सके और विज्ञान विषय को समझते हुए चले। क्योंकि अगर आप समझे रहेंगे तो आपको एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम कार्बन और उसके यौगिक। यहाँ से लघु उत्तरी क्वेश्चन और अति लघु उत्तरी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, तो आप लोग अच्छे से इन सभी को पढ़ते हुए चलिएगा। यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले कार्बनिक रसायन से क्या अभिप्राय है, कार्बनिक यौगिकों की विशेषताओं को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, यही यहाँ पर पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं, 2016 में आप देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है थर्ड सेमेस्टर में, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कार्बनिक रसायन हम किसे कहते हैं, हमें ये जानना है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री की वह शाखा जिसमें कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कार्बन और उसके यौगिकों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जिनमें कार्बन अनुपस्थित होता है अकार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। याद रखिएगा, ऐसे पदार्थ जिनमें कार्बन नहीं होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। जैसे कि चट्टानों, भूगर्भ खनिज पदार्थों आदि जैसे निर्जीव स्रोतों से प्राप्त पदार्थ। इसके बाद देखिए, सभी कार्बनिक यौगिकों में कार्बन तत्व उपस्थित होता है। कार्बन को सी से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि सी अक्षर से हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। याद रखिएगा, यह एक अधातु है। क्या है, कार्बन एक अधातु है, याद रखिएगा, धातु नहीं है, क्या है, अधातु है। कार्बन शब्द लैटिन भाषा के कार्बो से बना है जिसका अर्थ कोयला होता है। कार्बन आवर्त सारणी के वर्ग 14 का प्रथम तत्व है। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 6 होती है। तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, याद रखिएगा। अब देखिए, कार्बनिक यौगिकों की विशेषताएं क्या होती हैं, तो श्रृंखलन, सबसे पहली विशेषता क्या होती है, श्रृंखलन। तो देखिए, कार्बन के द्वारा कार्बन के ही दूसरे परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध बनाकर श्रृंखला का निर्माण श्रृंखलन कहलाता है। यानी कि कार्बन क्या करता है, अपने ही परमाणुओं के साथ क्या करता है, सहसंयोजी बंध बनाता है। वह एकल भी हो सकता है, यानी कि एकल बंध भी हो सकता है, द्विबंध भी हो सकता है और त्रिबंध भी हो सकता है। तो याद रखिएगा, कार्बन अपने ही समान दूसरे परमाणुओं के साथ क्या करता है, सहसंयोजी बंध बनाता है। सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है कार्बन। ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों कि कार्बन किस तरीके से श्रृंखला बनाता है, क्योंकि इसी पर सब कुछ डिपेंड है। इसके बाद देखिए, चतुसंयोजकता, और ये बंध बना क्यों पाता है, इसका रीजन है क्योंकि जो कार्बन है इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। देखिए, चतुसंयोजकता, टेट्रावैलेंसी, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं अथवा कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंध की क्षमता रहती है। यानी कि जो कार्बन है यह 4 परमाणुओं के साथ बांड बना सकता है, ठीक है, 4 के साथ बांड बना सकता है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी। इस तरीके से यहां पर CH4 मेथेन बन गया। तो यहां पर कार्बन के पास क्या होती है, 4 संयोजकता होती है। संयोजकता कितनी होती है कार्बन की, 4 होती है, और इसी की वजह से यह 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है, 4 परमाणुओं को जोड़ सकता है अपने साथ, और इसीलिए कार्बनिक तत्वों की कोई कमी नहीं है। हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे कार्बनिक तत्व हैं। अभी मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ कि हमारे दैनिक जीवन में कार्बन किस तरीके से हर जगह मौजूद है। और दोस्तों, यहाँ पर आपने दो खास चीजें पढ़ी कार्बन के विषय में। इसमें पहला है, कार्बनिक यौगिकों में श्रृंखला की क्षमता होती है, सिंगल बॉन्ड भी बना सकते हैं, डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। और दूसरा क्या आपने देखा कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसका मतलब यह अपने ही समान या फिर अन्य परमाणुओं के साथ जुड़ करके एक तत्व बना सकता है या
जुड़ करके क्या बना सकता है, आबंध बना सकता है, बंध बना सकता है। तो इस तरीके से आप देखिए CH4 यहाँ पर बना हुआ है। तो आगे अब हम देखेंगे कि दैनिक जीवन में किस तरीके से कार्बन का महत्व है। दोस्तों देखिए, जब लालटेन जलती है, जलने के बाद जब वो बुझ जाती है, तो आप देखते हैं जो लालटेन का शीशा होता है उस पर कालिख जमी होती है। तो वो जब कालिख है वह क्या है, कार्बन है। इसके अलावा अगर आपने किसी लकड़ी को जला दिया है, लकड़ी को जला दिया है या कागज को जला दिया है, कोई भी चीज जलाइए तो आपको क्या मिलता है, राख मिलता है। तो राख भी क्या है, कार्बन है। ठीक है, तो ये हमारे दैनिक जीवन का ही बहुत बड़ा हिस्सा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है ये चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, आंखों में लगाने वाले काजल, यानी कि जो हम आंखों में लगाने वाला काजल यूज करते हैं, उसमें भी क्या होता है, कार्बनिक यौगिक होता है, कार्बन तत्व मौजूद होता है। तो अब देखिए, इसके बाद कागज, लकड़ी, रबर, टायर, कपड़े, तेल, साबुन, दवा, ईंधन एवं भोजन, इन सभी वस्तुओं में कार्बनिक यौगिकों की उपस्थिति पाई जाती है। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारे दैनिक जीवन में इतनी चीजें हम उपयोग करते हैं, यहाँ पर आप देखिए, चाहे कपड़े हो, चाहे तेल हो, चाहे साबुन हो, चाहे दवा हो, इन सब चीजों का हम रेगुलर यूज करते हैं अपने जीवन में, ईंधन का प्रयोग करते हैं, तो इन सभी में क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक मौजूद होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो चैप्टर आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं यह कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, हमारे भोजन में, हमारे कपड़ों में, हमारे जो भी चीजें हम यूज करते हैं, उन सभी में कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक तत्व मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर जो चीजें आज आपने सीखी है, इसमें आपने ये सीखा कि जो कार्बन है वो कैसे बना हुआ है, इसके अलावा कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण चीज आपने देखी कि कार्बनिक यौगिकों की विशेषताएं क्या होती हैं, श्रृंखलन की क्षमता होती है, यानी कि सिंगल बॉन्ड भी बना सकते हैं, डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं ये। इसके अलावा कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, और इसी वजह से यह क्या करता है, 4 अन्य परमाणुओं को अपने साथ क्या कर सकता है, जोड़ सकता है इस तरीके से, और यह क्या बना सकते हैं, एक यौगिक बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, दैनिक जीवन में कार्बन भी आपने देख लिया, इसके अलावा जो पेट्रोलियम उत्पाद होते हैं जैसे कि पेट्रोल, डीजल, इनमें भी कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं, इन्हें हम कार्बन के अपर रूप कहते हैं। ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कार्बन के अपर रूप क्या होते हैं, और भी कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हैं, इनका हमारे दैनिक जीवन में और भी कितना उपयोग है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। दोस्तों आज आपने जो सीखा वह बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहाँ पर आपने आज जो फर्स्ट, ये जो पूरा चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक, यहाँ पर आपने इसके बारे में, कार्बन के विषय में आज थोड़ा बहुत जान लिया है। अब कल और भी बहुत सारी चीजें आप जानेंगे। इस तरीके से इस चैप्टर के बाद, इस चैप्टर से जितनी चीजें मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसको आप ध्यान से देखिएगा, और यहाँ से आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन करने को मिलेंगे, तो आप लोग अच्छे से चैप्टर को पढ़िएगा। दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ आपको आई बटन पर क्लिक करके फर्स्ट पेपर शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, इसके अलावा सेकंड पेपर समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा, ये दोनों पेपर मैंने पूरा पढ़ा करके हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से इसी तरीके से पढ़ा के खत्म कर दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। आपका हिंदी विषय पढ़ाया जा रहा है, सामाजिक विषय पढ़ाया जा रहा है, विज्ञान में पढ़ा रही हूँ, गणित का गणित चल रहा है, कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा, हर एक विषय तो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा, बस आपको केवल पढ़ने की जरूरत है और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने की जरूरत है। उम्मीद करती हूँ आप चैनल से ऐसे ही बने रहेंगे दोस्तों, और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछते रहेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहेंगे। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी, हर एक विषय के हर एक वीडियो को आप देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। हमारा बस एक ही उद्देश्य है, आप में से हर एक बच्चा सरकारी शिक्षक बने। आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, डीएलएड कर रहे हो इतने मेहनत से, इसके अलावा आप लोगों को यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट सब क्वालिफाई करना है ताकि आप भविष्य में जल्द जल्द शिक्षक बन सके। और दोस्तों हम आपको सभी की तैयारी करवाएंगे ताकि आप लोग की तैयारी बेहतर हो सके और आप में से हर एक प्रशिक्षु शिक्षक और शिक्षिका बन सके आने वाले समय में। तो आप हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में बेल आइकन भी होगा यानी कि घंटी का निशान होगा, उसको भी दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियोस हम बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को बिना मिस किए देख लें। सब्सक्राइब के जस्ट बगल में आपको ज्वाइन बटन मिलेगा, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप सभी वीडियोज की नोट्स प्राप्त कर सकते हैं जितनी वीडियोज मैंने बनाए हैं, और आप लोग व्यक्तिगत रूप से भी कोई भी समस्या है हमसे पूछ सकते हैं। तो अधिक से अधिक प्रशिक्षु जरूर ज्वाइन बटन को क्लिक करके ज्वाइन करें चैनल को और अपनी समस्याओं का
निदान प्राप्त करें। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप चैनल सही से बने रहेंगे और अपनी सभी समस्याओं का समाधान भी हमारे चैनल से प्राप्त करेंगे। दोस्तों कोई भी समस्या हो, छोटी छोटी से छोटी समस्या हो, आप हमसे बताइए, आपकी सभी समस्याओं का निदान होगा और आपके लिए हम लगातार वीडियोस ऐसे ही लेकर के आते रहेंगे और सभी विषयों को अच्छे से पढ़ा करके खत्म करेंगे और आपके सभी डाउट्स को भी क्लियर करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, आप लोग अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा क्योंकि हमें अभी बहुत लंबा सफर तय करना है और आप लोगों को जल्द से जल्द शिक्षक बनाना है। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसी चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।